ए, कौन है? क्या है ये? ए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत चलाओ, मारो तुम, मुझे मत चलाओ, नहीं, 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 मुझे मत मारो, नहीं, नहीं। कौन? कृष्णा, तू इस वक्त? हाँ, मैं सब ठीक है ना? कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। मतलब? आज मैंने रिया के पहले गुनहगार पवन को मार डाला। इसका मतलब तूने शुरुआत कर दी? हाँ। आज रिया की आत्मा बहुत खुश होगी कृष्णा, बहुत। लेकिन तुझे एक नहीं बल्कि उन सातों हरामजादों को मारना है जिन्होंने तेरी रिया को तुझसे छीना था। छोड़ना मत किसी को। मैं भी कितना बदनसीब हूं दोस्त, अपनी रिया को प्रपोज तक नहीं कर पाया। काश काश उस दिन मैं वक्त पे पहुंच गया होता, वक्त पे पहुंच गया होता। इन आंसुओं को संभाल कर रख कृष्णा, क्योंकि आंसू नहीं ये लावा है, लावा जिससे तुझे उन छह हराम सातों को चलाना है। उसके बाद तू जितना चाहे रो लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। और हाँ, ऐसे तो यही रहेगा मेरे साथ। तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कब, कहाँ और क्या करना है। मेरा अगला टारगेट मनोज है और कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मनोज? मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या चाहते हो? अभी पता लग जाएगा। उठ, उठ।
सकते हो तो हाथ खोल के देखो। अच्छा, कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, हे नहीं, हे नहीं, साहब हमारे गांव में पहली बार कल एक हत्या हुई थी और एक हत्या आज हुई है। आखिर ये हो क्या रहा है? गांव के सारे लोग डरे हुए हैं और सदमे में हैं। आप कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब। देखिए प्रधान जी, कल जो हत्या हुई थी उसे लेकर मेरा सोचना कुछ और था, लेकिन आज फिर एक हत्या होना इस बात का इशारा करता है कि कातिल के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन वो ये भूल गया है, इंस्पेक्टर पांडे के हाथ में जो भी केस आता है वो सॉल्व भी होता है। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द कातिल कानून की गिरफ्त में होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें आपसे यही उम्मीद है। यादव जी, लाश को नीचे उतरवाओ और पोस्टमार्टम की तैयारी करो। यस सर। तो तुम लोग हो पवन और मनोज? जी सर। बैठो। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा मैंने आप लोगों को यहां क्यों बुलाया। दरअसल बात यह है, जो पहला खून हुआ था वो पवन का हुआ था, जो तुम्हारा दोस्त है। उसके बाद दूसरा खून मनोज का हुआ, वो भी तुम्हारा दोस्त है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो तुम सभी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमें कौन मानना चाहेगा और क्यों? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं। तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। एक बार फिर सोच लो, कोई रुपए का लेन देन या कोई लड़की का चक्कर? लड़की का चक्कर?
देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम्हारे दो दोस्तों का खून हो चुका है, इसलिए मुझसे कुछ छिपाना मत वरना तुम सभी खतरे में पड़ जाओगे। सर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। ठीक है तो अभी तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना जब तक मैं ना कहूं कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा, समझे? ठीक है जी, बिल्कुल। निकलो। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा। कोई कुछ नहीं बताएगा वरना वो इंस्पेक्टर हमें जेल में डाल देगा। लेकिन मैंने कहाँ कुछ बताया? ये मत भूलो वो एक इंस्पेक्टर है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ ना तो तुमसे सब उगलवा लेगा, इसलिए जो हो चुका सब लोग उसे छुपा के रखेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे दोस्तों के मर्डर किसने किए होंगे? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, कौन हो सकता है? कहीं पुलिस वाला उस लड़की के बारे में पता तो नहीं लगा लेगा। क्यों डरा रहा है यार, यहाँ तो वैसी पट्टी पड़ी है। अगर इंस्पेक्टर की बात सही है तो हम सब भी खतरे में हैं। कि हम में से किसी की बारी है? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, हो सकता उनकी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी हो, हमें बस उस इंस्पेक्टर से होशियार रहना है। ठीक है, अब मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे, अब हमें ये देखना है कि हमारे दोस्तों का कातिल है कौन, और अगर उसने उन्हें मारा है तो क्यों मारा है। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ वाकई बहुत अच्छा है आज मौसम। हम काफी देर से यहाँ बैठे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना साथ बैठकर? हाँ आज भी नहीं बोल पाएगा लगता है, आज भी कुछ नहीं बोल पाएगा। तो फिर चले, चलो। क्या हुआ, चलो ना। हाँ चलो। आज तो कैसे भी करके बोलना है। कुछ बोलोगे नहीं? सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। अच्छा तो आज कोई खास बात करनी है क्या? हाँ ऐसा ही समझ लो। हिम्मत है? कोशिश कर सकता हूं। तो करो ना। रिया, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, लेकिन मेरे दिल में मैं बस देखना चाहती थी कि तुम में कितनी हिम्मत है। इतने दिन इंतजार किया तो एक दिन और सही, अब जो भी कहना है कल ही कहना। कल? लेकिन कल क्यों? अरे बुद्धू, कल वैलेंटाइन डे है ना। जिस बात को बोलने के लिए मैंने इतनी मुद्दत तक इंतजार किया उसके लिए एक दिन और सही।
हाँ, लेकिन कल टाइम पर आ ही जाना। अगर कल तुमने मुझे इंतजार करवाया ना, तो जिंदगी भर पुकारने पर भी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, सोच लेना। कल के बाद मैं तुम्हें कहीं जाने कहाँ दूंगा। क्या? कुछ नहीं। कहाँ की तैयारी हो रही है भाई? रियाज से मिलने जा रहे हो? हाँ। ये पहन कर। जानते हो आज कौन सा दिन है? हाँ, आज वैलेंटाइन डे है। अच्छा, फिर तो ये भी पता होगा कि आज के दिन हर प्यार करने वाला एक दूसरे से अपने दिल की बात कहता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम आज रिया से अपने दिल की बात कह दोगे। और अगर नहीं कहा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। साले दिमाग खराब कर रखा है तूने। रोज सुबह सुबह तैयार होकर तो ऐसा निकलता कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आएगा, और शाम को भीगी बिल्ली की तरह लौट आता है। अगर राज रिया से अपने दिल की बात कही नहीं तूने तो तुझे फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। अरे यार, इतना चिल्लाता क्यों है? मैंने कहा ना, आज मैं रिया को प्रपोज कर दूंगा, और आज तो मैंने उसको प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रखी है। अच्छा, क्या लेकर जा रहा है? कुछ लेकर भी जाते हैं क्या? कभी कभी दिल करता है कि तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूं और खुद जाकर रिया को प्रपोज करने। अबे जब कोई लड़का किसी लड़के के पास जाता है तो उसे फूल देता है, और अगर वो हाँ कर दे तो अंगूठी देता है। है तेरे पास कुछ? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो जा लेकर आ, और तभी रिया के पास जाना। जा। हाँ। और सुन। हाँ। आज कह देना। पक्का? पक्का। मैं यूं गया और यूं आया। लड़की, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अबे आओ जल्दी। सुनो, देखो क्या लड़की बेटी है यार। अरे वाह, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, क्या बोलते हो? चले। चलो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम सबको? तू देख क्या रहे हो, पकड़ लो इसे। जल्दी चलो, जल्दी। राघव, 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 राघव। क्या हुआ राघव? कृष्णा। कौन था ये लोग? कौन थे? कृष्णा, कौन भागे? कृष्णा, हाँ हाँ, क्या हुआ बता ना। क्या भैया? रिया, 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 आगे खोलो रिया, रिया।
रिया रिया ऐसा मत करो रिया, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी रिया। तुमने तो कहा था तुम जो भी कहना कल कहना, और आज मैंने कहने की हिम्मत की तो तुम भी ना सुने जा रही हो रिया। नहीं रिया नहीं। मैं जानती हूँ कृष्णा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बस कह नहीं पाते, एक नंबर के डरपोक जो ठहरे। तुम सोचते हो अगर मैंने इनकार कर दिया तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही मैं भी तुमसे करती हूँ। हर लड़की की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम खुद मुझसे ये बात आकर कहो, लेकिन अगर आज भी तुम नहीं बोल पाए तो मैं ये लेटर तुम्हें देकर खुद अपने प्यार का इकरार करूंगी, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। हाँ कृष्णा, आई लव यू। हम थे वो लोग, मैं नहीं जानता, वो सात लोग थे, गाड़ी में आए थे। पकड़ लो इसे। उन्होंने तेरी रिया के साथ मैंने बचाने की कोशिश की तो उन सब ने मुझे बहुत मार। पकड़ लो इसे। अगर मैं बेहोश नहीं होता तो तेरी कसम यार, मैं अपनी जान दे देता, लेकिन तेरी रिया को कुछ नहीं होने देता। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी रिया को बचा नहीं पाया। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, जब तक तुम्हारे गुनहगारों को सजा नहीं दे देता, वो चाहे पाताल में क्यों ना छिपे हो, मैं उन्हें वहां से भी ढूंढ निकालूंगा, एक एक करके चुन चुन के मारूंगा मैं। क्या हुआ कृष्णा, सब ठीक तो है? सपना देखा था। किसको देखा सपने? रिया, रिया को। रिया की आत्मा बेचैन है कृष्णा, उसे अभी शांति नहीं मिली है, और जब तक उसका एक भी गुनहगार जिंदा है वो इसी तरह तड़पती रहेगी। लेकिन अब मैं उसे और नहीं तड़पने दूंगा, उन पांचों को मार डालूंगा मैं। अभी तुम्हें कुछ दिन के लिए रोकना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी है। नहीं रुकना, मुझे नहीं रुकना, मैं एक एक मिनट कैसे काट रहा हूं बस मैं ही जानता हूं। उनको मारने में जितना ज्यादा वक्त लगेगा मेरी रिया की आत्मा उतनी ज्यादा तड़पेगी। क्या तुम यही चाहते हो? अगर मेरा बस चले तो मैं उन पांचों हरामजादों को एक मिनट में गोली मार दूं। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि पुलिस उनके कातिल की तलाश कर रही है, और अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे? मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मुझे मेरा इंतकाम चाहिए, इंतकाम। अच्छा, और अगर अपना इंतकाम लिए बिना तुम फांसी पर चढ़ गए तो क्या होगा? बोलो, क्या कहोगे रिया से, क्या जवाब दोगे उसको? बोलो,
देखो कृष्णा, अब तुम्हें जो भी करना होगा बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि जितना प्यार तुम रिया से करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी रह पाऊंगा यार। घबरा मत दोस्त, उन सबको मरने से पहले तेरा ये कृष्णा नहीं मरेगा। यार ये क्या बात हुई, मर्डर कोई और करे और सजा हमें मिल रही है। उस इंस्पेक्टर ने साफ साफ कहा है कि हम में से कोई भी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है यार। अभी तो मुश्किल है, ये काम कुछ दिन बाद कर लेना। कुछ दिन बाद नहीं, मुझे आज जाना है। अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कोई तो रास्ता निकालो यार। एक रास्ता है, तुम चुपचाप यहां से निकल जाओ और शाम से पहले वापस लौट के आ जाना। लेकिन इंस्पेक्टर ने इसके बारे में पूछा तो तुम कह देंगे कि सुमित तुम्हारे साथ है। अगर इंस्पेक्टर ने इसको कॉल किया तो मैं अपना फोन बंद कर लूंगा। लेकिन तुम्हें शाम से पहले वापस लौट के आना होगा। आ जाऊंगा यार। अच्छा मैं चलता हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं चलता हूं। संभल के जाना। ओके। स्पीकर पे रखता हूं। जी इंस्पेक्टर साहब। तुम सब लोग गांव में हो ना? जी हाँ, हम सब साथी हैं। वेरी गुड, मुझे खुशी है कि तुम लोग इस केस में मेरा पूरा साथ दे रहे हो। अच्छा जरा सुमित से बात कराना। हेलो, मैंने कहा सुमित से बात कराओ। जी उसका फोन खराब हुआ हो गया है, वो सही कराने गया है। ठीक है, जैसे ही आए उससे बात कराना। ओके। जी इंस्पेक्टर साहब। फिर से उसी का फोन आ गया। उठा उठा, देख क्या कह रहा है। कल सुमित शहर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहीं वो शहर तो नहीं चला गया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मुझसे झूठ मत बोलना, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर चला गया है तो मुझे अभी बता दो। इंस्पेक्टर साहब दरअसल बात यह है। अर्पित प्लीज, वक्त जाया मत करो। तो सच है वो बताओ, क्या सुमित वाकई चला गया है? बता दे यार। जी इंस्पेक्टर साहब, वो वाकई चला गया है, लेकिन शाम तक लौट आएगा। तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि अब क्या होगा यार।
बीच रास्ते में बाइक क्यों खड़ी कर रखी है? इसे भाई, अरे ये रास्ता सोने के लिए नहीं है। मैं सोने नहीं, तुझे सुनाने आया हूं। चले यार, वो मुझे मारना चाहता है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, शायद ये वही है जिसने हमारे बाकी दोस्तों को मारा है। अब वो मुझे मारना चाहता है। तू फिक्र मत कर, इंस्पेक्टर पांडे को हमने तेरे बारे में बता दिया है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचते होंगे। तब तो बहुत देर हो जाएगी यार, कुछ कर यार प्लीज। हेलो सुमित, हेलो सुमित, सुमित हेलो। सुमित, हेलो, हेलो सुमित, हेलो सुमित, हेलो सुमित, सुमित सुमित ओह नो, सुमित माजेस है क्या? माजेस? इस सुनसान जगह पर तुम माचिस लेने आए हो? जी नहीं, एकांत में आने की और भी कई वजह होती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, वैसे तीली है मेरे पास। हो गया, अब शराफत से ये बता दो तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? कृष्णा नाम है मेरा, मैं यहाँ से दो गांव आगे रहता हूँ। यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे ए कृष्णा। हाँ। अरे कितना टाइम लगाएगा यार, जल्दी करना। हाँ आ रहा हूँ, अकेला नहीं हूँ मैं, मेरा दोस्त मेरा साथ है, थोड़ा रास्ता देंगे। तू चला।
देखा, समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं सुना। अगर उस पुलिस वाले ने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया होता ना, तो तुम यहां नहीं होते, जेल में होते। अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम्हें सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे जो भी होगा ना, वो तुम्हारे नहीं मेरे तरीके से होगा। लेकिन मैं इस खेल को जल्दी खत्म करना चाहता हूं। देख कृष्णा, तू उस पुलिस वाले की नजर में आ गया है, इसलिए थोड़े दिन के लिए तुझे शांत रहना होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, और फिर मैं तेरे साथ हूं ना। शाबाश, तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूं। रिया, 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 तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी रिया, कहाँ चली गई थी रिया? मैं तुमसे दूर कैसे जा सकती हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही थी। वादा करो, वादा करो, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी ना, कहीं नहीं जाऊंगी ना, वादा करो। झूठा वादा कैसे करूं, दूर तो मुझे तुमसे जाना ही होगा, लेकिन याद रखना, दूर रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। नहीं रिया, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें रोक लूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जा रही हूँ कृष्णा। नहीं रिया, अपना ख्याल रखना कृष्णा। नहीं, नहीं रिया, नहीं, रुक जाओ रिया, रिया, नहीं रिया, रिया नहीं, रिया, Thank you.
तुम में से किसी ने इसे देखा है? ये लड़का हमारे गांव का नहीं है। ये आपके गांव से दो गांव दूर का रहने वाला है। और मुझे इस पे शक है। लेकिन अगर इसने खून किया है तो किसी ने किसी तो जरूर देखा होगा। लेकिन अफसोस, इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक के बाद एक कत्ल होता जा रहा है, कुछ तो कीजिए। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर ये कातिल है तो एक न एक दिन ये जरूर पकड़ा जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, ये कातिल तुम सबको मारना चाहते हो, लेकिन तुम लोगों ने नहीं माना। अब देख लो, ये तुम्हारी दोस्त है ना। हमसे गलती हो गई साहब, हमें इससे बचाइए। हाँ साहब, वरना वो हमें भी मार देगा। हाँ, सुमित की लाश के पास मैंने एक लड़के को देखा था और मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली है। ये देखो, अगर तुम में से कोई भी इसे पहचानता है तो समझ लो कातिल यही है। इसे हम नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब। इससे पहले हमने इसे कभी नहीं देखा है। क्या यादव? यस सर। एम्बुलेंस को बुलाओ। कातिल अगर ये नहीं है फिर कौन हो सकता है? हेलो एम्बुलेंस। आखिर ये है कौन जो हमारे पीछे पड़ा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कि आखिर हमने इसका बिगाड़ा क्या है? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो अब हमें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कि अब करे तो क्या करे। मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ और हम कुछ दिन के लिए कहीं दूर निकल चलते हैं। तू तो जानता है ना यार, मैं अपनी बहन पूनम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो फिर हमें इंस्पेक्टर की निगरानी में रहना होगा। हाँ अर्पित, इंस्पेक्टर भी यही चाहता है। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तुम लोग घर जाओ, मैं भी चलता हूँ। कल मिलेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, तू अर्पित को समझा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ और क्या पता वो शाम तक मान जाए। मैं तुझे फोन कर दूंगा।
विजय, ये कहाँ रह गया? विजय, विजय, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा भैया? मुझे मत मारो भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भैया? और मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा भैया तुम्हारा। क्या बात है भैया? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ कि तुम परेशान हो। तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। कमाल है, मेरा भाई झूठ भी बोलने लगा। बताओ ना, क्या बात है? कोई है जो मुझे मारना चाहता है। क्या? लेकिन क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है उसने मेरे कई दोस्तों को मार डाला। लेकिन भैया तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया? पुलिस को सब पता है, इंस्पेक्टर पांडे मुझे अपनी सिक्योरिटी में भी रखना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन भैया खतरा तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम्हें फौरन उसके सिक्योरिटी में जाना चाहिए भैया, कॉल करो अभी। लेकिन पूनम, कोई सवाल नहीं, तुम अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो भैया कहीं दूर चले जाओ। तुम्हें मेरी कसम भैया, भैया प्लीज। ठीक है, आप लोगों में से किसी ने ये खून होते हुए देखा है? नहीं साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? हाँ साहब, मैंने देखा। क्या क्या देखा तुमने? मैंने साहब, मैंने खून होते हुए देखा साहब, वहाँ पर उसने खुलाड़ी से उसे काट दिया। क्या कहीं वो ये तो नहीं है? हाँ हाँ साहब, यही था। अब बच्चन कहाँ जाएगा? गवाह भी मिल गया और सबूत, मेरा खेल खत्म। मुझे माफ कर देना भैया।
मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मुझे लगता है उसी का काम है। ये वही है ना? वो कई दिनों से अपने गांव से लापता है। उसे कोई नहीं जानता वो कहां है। उसका असली शिकार मैं हूं। जो मुझे मारने मेरे घर तक आ सकता है वो मुझे बाहर क्या छोड़ेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम उसको सामने लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाओगे? हाँ। अब आपके पास सिर्फ एक मौका है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन अर्पित, तुम्हारी जान जा सकती है। चाहे जान चली जाए, लेकिन इस बार वो कमीना बचना नहीं चाहिए। मेरा वादा है अर्पित, वो अगर इस बार सामने आ गया तो वापस नहीं जाएगा। कहां तक भागेगा? आज तेरे लिए ये धरती भी कम पड़ जाएगी। यहां तू नहीं, मैं तुझे लाया हूं। इंस्पेक्टर पांडे कुछ ही देर में आने वाला है, अब तू कब भागेगा? तुझे क्या लगता है, इंस्पेक्टर पांडे तुझे बचा लेगा? उसे यहां तू नहीं, तेरी लाश मिलेगी। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये सवाल मुझसे नहीं, मेरी रिया से करना, जिसे तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी रिया को नहीं जानता। मौत सामने देखकर हर गुनहगार यही कहता है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शाबाश कृष्णा, तूने तो सातों को मार दिया यार। हाँ राघव, मैंने अपनी रिया की मौत का बदला ले लिया राघव। अब रिया की आत्मा को शांति मिल जाएगी राघव, शांति मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, होता कुछ है और दिखाती कुछ और। जानते हो उस दिन क्या हुआ था? आ गए तुम, लेकिन आज फिर लेट आए हो, इसलिए पनिशमेंट मिलेगी। तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। राघव तुम? हाँ मैं। कृष्णा कहाँ है? जब देखो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा क्या उसमें जो मुझमें नहीं है? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लगता है तुम होश में नहीं हो, चले जाओ यहां से। आज मैं जाने के लिए नहीं आया।
तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो चले जाओ यहाँ से, वरना वरना क्या, तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कृष्णा से भी ज्यादा। देखो मैं सिर्फ कृष्णा से ही शादी करूंगी, इसलिए हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें किसी से शादी करनी है ना? हाँ तो कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार, उसे कुछ पता नहीं लगेगा, सच कहता हूँ। अच्छा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। राघव को जो चीज प्यार से नहीं मिलती राघव उसे छीन लेता है। छोड़ो मुझे। और जोर से सूस पाई, बस मैं यूं गया और यूं आया। याद रखना, अगर ये बात तुमने कृष्णा को बताई ना, तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, जब कृष्णा घर पे नहीं हुआ करेगा तो मैं कभी कभी तुम्हें क्या लगता है कि मैं कृष्णा को नहीं बताऊंगी? मैं उससे जरूर बताऊंगी, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, मार डालेगा। मुझे लगा था तू अपना मुंह बंद रखेगी और हमारे बीच में ये सब चलता रहेगा, लेकिन अब लगता है कि तेरा जिंदा रहना मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। मेरा मानना है कि अगर सबूत छूट जाए तो उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन गवाह नहीं छूटना चाहिए। अरविंद जी तू जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो देखो वो क्या कर रहा है, देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। कौन हो तुम लोग? बहुत हो गई तेरी भागा थोड़ी, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे। रुक रुक
कृष्णा। मुझे सबने फोन करते हुए देख लिया था और मेरा मानना है कि सबूत छूट जाए तो उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन गवाह छूटना अच्छी बात नहीं। बस फिर क्या था, मैंने एक झूठी मूठी कहानी बनाई और तुम्हें मोहरा बनाया, अपने सारे गवाहों को खत्म करा दिया। अब मैं आजाद हूं, लेकिन तुम्हारे सर पर सात खून का इल्जाम है। सात नहीं, आठ। ए लड़की, कौन हो तुम? किससे मिलना है? अर्पित कहाँ है? भैया घर पे नहीं है। आप काम तो बताइए। छह लोगों को तो मार चुका हूं, अब सिर्फ तुम्हारा भाई बचा है। क्या कहीं तुम? हाँ, कृष्णा नाम है मेरा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर के साथ है मेरा भाई, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। देखो पास में मत आना। अब इंस्पेक्टर भी यही समझता है कि अर्पित की बहन का कातिल भी कृष्णा है, यानी कि तुम। अब अफसोस की बात तो यह है कि सबको जानते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ना तो मेरे खिलाफ कोई सबूत है ना कोई गवाह। सही कहा तुमने, कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, होता कुछ और है और दिखाया कुछ और जाता है। ठीक है, चाहे मुझे मार दो, लेकिन इतना बता दो, मेरी मासूम बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ता जो तुमने उसकी इज्जत लूट के उसे भी मरने पर मजबूर करती है। कृष्णा इतना गिरा हुआ नहीं है जो किसी लड़की की इज्जत के साथ खेले। ये काम तो तुम लोगों ने मेरी रिया के साथ किया था, भूल गए? इसका मतलब वो कोई और ही है जिसने हमें अपना मोहरा बनाया। कुछ देर में इंस्पेक्टर यहां आने वाला है, अब तेरा खेल खत्म। मैंने कहा ना, सब वो छूट जाए तो उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन गवाह नहीं छूटना चाहिए। अर्पित, अर्पित, राघव, इतना क्यों चल रहा है? थोड़ी देर की बात है ना, इंस्पेक्टर आने वाला है, उसके बाद तो तुझे अपनी सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजार। लेकिन हाँ, मैं तुझे देखने आया करूंगा, आगे तेरा दोस्त जुड़े रहा। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे दोस्त कहता हूं। तुझे जो करना था तू कर चुका, अब जो करेगा कृष्णा करेगा। जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, वरना गोली मार दूंगा। कोई होशियारी नहीं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये पागल हो गया। अरे आठ लोगों को मार चुका और अब मुझे भी मारना चाहता है। आप मुझे बचाइए ना इससे। अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। यादव, यस सर, अरेस्ट हिम। ए चल, हम्म।
बहुत बड़ा साथी रह तू, मैं फिर आऊंगा। चलो चलो। राघव, राघव, क्या है बे? राघव, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? कृष्णा कस्टडी से भाग गया है। और वो पुलिस की बंदूक भी लेके भागा है। मुझे पता है वो हरामजादा क्यों भागा है। वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि मुझे मारे, मैं हरामजादे को उसको मार दूंगा। देखो, वो किसी वक्त यहां आ सकता है, ठीक है? अगर यहां आ गया तो साला बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है? चलो, बंदूक कहाँ है? आओ। अरे देख क्या रहा मेरा मुंह, पकड़ो हरामजादे को। साले को
मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई, मैं तेरा गुनहगार हूं कृष्ण, लेकिन मैं माफ मांगता हूं, मुझे छोड़ दे, आखिर मैं तेरा दोस्त हूं कृष्ण, तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा पाप पकड़ता हूं, मुझे छोड़ दे। भूल गया कृष्णा, जो एक बार धोखा दे सकता है वो एक हजार बार भी दे सकता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, सब वो छोड़ जाए तो उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता था कि तू कभी भी अपना रंग दिखा सकता है, और वो पुलिस की बंदूक भी लेके भागा है। नहीं,
कृष्णा। कृष्णा रिया, 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 चलो कृष्णा। मैंने अपना इंतकाम ले लिया रिया, ये देखो मार दिया मैंने इसको। हाँ कृष्णा, मैं आ गई तुम्हें लेने। चलो कृष्णा, चलो चलो, चलो।